हे गाइस जय सियार। और आज के इस वीडियो में डोरेमोन की मूवी नोबिता ट्रेजर आयरन के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मूवी जापान और उसके आसपास के देशों में 2018 में ही रिलीज हो गई थी, पर हमारे देश में अभी तक रिलीज नहीं हुई है। सो इस वीडियो में आपको इस मूवी की फुल स्टोरी बताने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो ज़्यादा पकाते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मूवी की शुरुआत होती है समुद्र से, जहां डोरेमोन, सुजुका, जियान और सुनियो किसी टापू को ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार डोरेमोन को वो टापू दिख जाता है। सभी एक साथ आ जाते हैं और डोरेमोन कहता है, हमने ट्रेजर आइलैंड ढूंढ लिया। इतने में अचानक से हमारे हीरोज के जहाज में कुछ पायरेट्स हमला कर देते हैं। उन पायरेट्स का लीडर हमारे हीरोज के पास आता है और कहता है, मेरा नाम जॉन सिल्वर है और अब ये टापू हमारा है, और वो डोरेमोन पर हमला करने लगता है। लेकिन इतने में वहाँ कैप्टन नोबिता आ जाता है। सभी उसे देख के काफी खुश होते हैं। कैप्टन नोबिता कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, क्योंकि जहाज का कैप्टन आ गया है। और कैप्टन नोबिता पैरट्स पर अटैक करने लगता है। पैरट्स का लीडर जॉन सिल्वर और कैप्टन नोबिता में एक तलवार वाली फाइट चलती है और अचानक कैप्टन नोबिता एक बॉक्स के ऊपर खड़ा हो जाता है और आगे पीछे घूमने लगता है। नोबिता बॉक्स के ऊपर ही खड़े होकर जॉन सिल्वर से फाइट करता है और उसे हरा देता है। अब हमारे सारे हीरो टापू के अंदर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वे देखते हैं, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। कैप्टन नोबिता कहता है, हमने आखिरकार इसे ढूंढ ही लिया। लेकिन अचानक से वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और नोबिता काफी जोर से मॉन्स्टर चिल्लाता है और वो अपने आप को उसी पार्क में पाता है जहाँ वे हमेशा खेलते हैं। जियान नोबिता को मारने लगता है और कहता है, तुमने मुझे मॉन्स्टर क्यों बोला। डेकी सुगी भी वहीं रहता है और वो एक नोवेल के बारे में बात करता है और कहता है, इस बुक में ट्रेजर आइलैंड के बारे में बताया गया है और मैं इस बुक की मदद से एक नोवेल पायरेट्स के ऊपर लिखूंगा। सुजुका काफी खुश होती है, लेकिन नोबिता ये देख के थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, नोवेल लिखने के बदले क्यों ना हम असली ट्रेजर को ढूंढे, जहां नीला समुद्र होगा और पायरेट्स भी होंगे। फिर डेकी सुगी कहता है, नोबिता ये पायरेट्स, टापू और खजाना ये सब कहानियों में ही होते हैं, ये सब असल जिंदगी में नहीं पाए जाते। ये सुनके नोबिता थोड़ा उदास हो जाता है और जियान और सुनियो नोबिता को तंग करने लगते हैं। लेकिन नोबिता गुस्सा हो जाता है और उन लोगों को कहता है, मैं तुम लोगों को जरूर ट्रेजर आइलैंड ढूंढ के दिखाऊंगा। और जियान कहता है, अगर नहीं ढूंढ पाए तो। नोबिता इसके जवाब में कहता है, अगर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा तो मैं अपने नाक से स्पेगेटी खाऊंगा। और नोबिता डोरेमोन कहते कहते घर की ओर जाता है और इसमें कोई ओपनिंग सॉन्ग नहीं है। आगे डोरेमोन नोबिता पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी, अब हम ट्रेजर आइलैंड कैसे ढूंढेंगे। ये सुनके नोबिता वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं अपने नाक से स्पेगेटी खाने की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। ये सुनके डोरेमोन भी रोने लगता है और अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है जो मैप जैसा रहता है। डोरेमोन नोबिता को बताता है, हम इसे ट्रेजर आइलैंड ढूंढ सकते हैं, पर ये थोड़ा मुश्किल है। फिर नोबिता एक जगह मैप पर मार्क करता है और उन्हें खजाने का लोकेशन मिल जाता है। डोरेमोन ये देख के थोड़ा चौंक जाता है। नीचे नोबिता के टीवी में उसी आइसलैंड का न्यूज आता है। वे दोनों ये देख के काफी खुश होते हैं और नोबिता डोरेमोन को वहाँ चलने के लिए कहता है, पर नोबिता की मोम ये सुन के गुस्सा हो जाती है और होमवर्क बनाने कहती है, जिससे नोबिता रोने लगता है और घर से चला जाता है। आगे एक हेलीकॉप्टर और कुछ लोग उसी टापू की वीडियो बनाने जाते हैं और जब वे वीडियो बना रहे होते हैं तो उन्हें दो लोग दिखते हैं और अचानक से वे दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। ये देख के वे लोग थोड़ा चौंक जाते हैं और वहां से वे लोग चले जाते हैं। इधर नोबिता कहीं जा रहा होता है और डोरेमोन नोबिता से पूछता है, तुम कहां जा रहे हो। और नोबिता कहता है, मैं उस आइसलैंड को ढूंढने जा रहा हूँ और ये मैं करके रहूंगा। ये सुनके डोरेमोन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। ये देख के नोबिता डोरेमोन से गैजेट मांगता है। डोरेमोन फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं ये नहीं करने वाला। और नोबिता फिर से रोने लगता है। फिर डोरेमोन और नोबिता तालाब के पास जाते हैं और डोरेमोन एक गैजेट असेंबल शिप निकालता है। नोबिता उस शिप को जोड़ लेता है और उसे पानी में ले जाता है। उसी समय नोबिता सुजुका को भी लेके आ जाता है। सुजुका उस समय नहा रही होती है जिसके कारण नोबिता को थोड़ा मार खाना पड़ता है। फिर डोरेमोन शिप को बिग लाइट से बहुत बड़ा कर देता है और वे लोग शिप के ऊपर जाते हैं। नोबिता उस शिप का नाम नोबिता ओरा रखता है और फिर नोबिता उस शिप को चलाने लगता है। उस शिप को वहाँ देख आसपास के लोग काफी चौंक जाते हैं।
फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है, हमें मॉम डैड को बताना चाहिए कि हम उस टापू पर जा रहे हैं, नहीं तो वो हमारी चिंता करेंगे। लेकिन नोबिता कहता है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। आगे वे लोग समुद्र में पहुंच जाते हैं, पर नोबिता थोड़ा बोर हो जाता है और डोरेमोन एक गैजेट निकालता है, कमांडर हैट। उसे पहनने के बाद हमारे हीरोज के आसपास की एरिया कैरेबियन लुक यानी पैरट्स के जैसा बदल जाता है। सुजुका ये देख के काफी खुश होती है और कहती है, ये पूरा असली लग रहा है। डोरेमोन कहता है, जो ये हैट पहनेगा वो शिप का कैप्टन बन जाता है और किसी को ऑर्डर भी दे सकता है। इधर जियान और सुनियो एक छोटे से बोट में जा रहे होते हैं उस आइसलैंड को ढूंढने। सुनियो जियान से अपने डैड की शिप यूज करने की बात करता है, पर जियान मना कर देता है। और फिर वहाँ नोबिता और उसकी शिप आ जाती है और जियान को कहता है, हम पहले उस आइसलैंड में जाएंगे। और ये कह के नोबिता शिप को और स्पीड कर देता है, लेकिन शिप में लगी एक चादर और खंभा टूट जाती है और शिप वहीं रुक जाती है, जिसके कारण जियान और सुनियो भी शिप में आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से वो हैट लेता है, पर जियान नोबिता से छीन लेता है और शिप का कैप्टन बन जाता है। आगे डोरेमोन बताता है, हमने इस मैप की मदद से ट्रेजर आइलैंड ढूंढ लिया है। और जियान कहता है, अब हम अमीर बन जाएंगे। सभी काफी जोश में आ जाते हैं और डोरेमोन कहता है, चलो उस ट्रेजर आइलैंड को ढूंढे। और सभी मजे करते जाने लगते हैं। डोरेमोन कुछ मिनी डोरेमोन को भी बुलाता है। आगे रात के वक्त डोरेमोन सबको बताता है कि मैंने सभी के पेरेंट्स को बता दिया है कि हम कहां जा रहे हैं, इसलिए हम आज आराम करेंगे और कल खोज में जाएंगे। सुबह हो जाती है और नोबिता को वो आइसलैंड दिखता है। सभी एक साथ आ जाते हैं और आगे जाने की बात करते हैं, लेकिन सुजुका को कुछ दिखता है। वे लोग उन्हीं दोनों के सिपाही रहते हैं और वो हमारे हीरोज पर हमला करने के लिए शिप में आ जाते हैं। डोरेमोन कहता है, कोई बात नहीं, हमारे पास ये हैट है, पर उस हैट की असर उन लोगों पर नहीं होती। और उन सिपाहियों का लीडर डोरेमोन को कहता है, तुम बच्चे और ये रकून यहाँ क्या कर रहे हो? और डोरेमोन की हालत खराब। डोरेमोन भाग के नोबिता के पास जाता है और जिसके कारण उसकी हैट नीचे सिपाहियों के शिप में चली जाती है। और हाँ, उनके सिपाहियों का लीडर का नाम वीवी रहता है, जो कि एक लेडी है। आगे सुनियो वीवी से पूछता है, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? और वो कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, हम तुम्हें पानी में फेंक देंगे ताकि तुम्हें सार्क खा ले। फिर डोरेमोन उनके हाथ में एक बॉम्ब देता है और वो फट जाता है। मिनी डोरेमोन उन सिपाहियों पर अटैक करने लगता है। इधर नोबिता के पास एक सिपाही आ जाता है, लेकिन डोरेमोन नोबिता को एक तलवार देता है जिससे वो बच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। डोरेमोन सभी को एक एक गैजेट देता है और सभी लोग सिपाहियों पर अटैक करने लगते हैं। ये देख के वीवी गुस्सा हो जाती है। फिर डोरेमोन वीवी पर एक अटैक करता है, पर वो बच जाती है और उनके सिपाही हमारे हीरोज को पकड़ लेते हैं। पर इधर हमारे हीरोज और वीवी को कोई टीवी पर देख रहा होता है, जो कि उसी टापू को कंट्रोल करता है। फिर वो कंप्यूटर पे कुछ करता है और पूरी टापू किसी चीज से ढक जाती है और सिंक में बदल जाती है, जो कि अब तैर सकती है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मैं आगे की स्टोरी अगले पार्ट में डालूंगा। तो अगर आप वीडियो मिस करना नहीं चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबाएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।